नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। चुनाव के पहले बिहार में नौकरियों की बढ़ी कतार। चुनावी साल में बिहार में सरकारी नौकरियों की कतार बढ़ गई है। प्रदेश में चुनावी वर्ष में विभिन्न विभागों में लगभग 50,000 खाली पदों पर भर्ती की मांग की गई है। प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालय में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति समिति, 4,997 नर्सों और साथ ही 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति, 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति और उत्कृष्ट काम करने वाले 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति करने का फैसला सुनाया गया है। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को अपने संबोधन के दौरान कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय शिक्षकों का सेवा शर्त लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेहतर सेवा शर्त के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है, इसे शीघ्र लागू किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में 63,000 से अधिक कोविड-19 प्रभावितों की हुई पुष्टि। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 63,489 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 25,89,682 पर पहुंच गई है। वहीं अब कोविड-19 की वजह से 49,980 लोगों की जान जा चुकी है। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 संक्रमित और जान गंवाने वालों की संख्या में पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। अब तक कोविड-19 के 18,62,258 मरीज अस्पताल से छूट चुके हैं और 6,60,044 अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज करवाया जा रहा है। अंकिता लोखंडे के फ्लैट के ईएमआई का सच आया सामने। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार नई बातों का खुलासा होता जा रहा है। वहीं कुछ दिनों से इस बात की अफवाह भी सुनने में साफ तौर पर आ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के फ्लैट का ईएमआई सुशांत सिंह राजपूत ही भर रहे थे। हालांकि अब अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी सोशल मीडिया पर साझा की है जिसमें कहा गया है कि दिवंगत अभिनेता उनके फ्लैट के लिए ईएमआई का भुगतान कर रहे थे। अंकिता लोखंडे ने अपने सत्यापित ट्विटर अकाउंट पर जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी साझा करते हुए लिखा है, यहाँ मैं सभी कयासों को समाप्त करती हूँ जिनका पारदर्शी हो सकता है। मैं फ्लैट का पंजीकरण और साथ ही मेरे बैंक स्टेटमेंट तक मासिक आधार पर मेरे खाते से ईएमआई की कटौती की जा रही थी, मुझे और कुछ नहीं कहना। राजधानी पटना में संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजधानी पटना में मामला दर्ज करवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के दुनिया को अलविदा कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा लोगों के निशाने पर है। राजीव त्यागी के गुजरने के बाद सोशल मीडिया पर संबित पात्रा के खिलाफ राजधानी पटना में मामला दर्ज करवाए जाने को लेकर मांग हो रही थी। कांग्रेस नेता की तरफ से भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, संबित पात्रा को तुरंत ही सलाखों के पीछे डालने की भी मांग की गई है जिसके तहत पटना के रूपसपुर थाने में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के जान गंवाने का जिम्मेदार बताते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने यह मामला दर्ज करवाया है। गुंजन पटेल ने कहा है कि टीवी डिबेट के दौरान संबित पात्रा की भाषा बेहद अमर्यादित और तनाव पैदा करने वाली थी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के साथ ही बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और सरकार की तरफ से कोविड-19 जांच को बढ़ाने के दावे के बीच सरकार को निशाने पर लिया है जिसके तहत उन्होंने आज सुबह सुबह ही अपने ट्विटर पर दो तस्वीरें शेयर की है जिसमें कोविड-19 जांच पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि यह नीतीश कुमार का वर्ल्ड क्लास कोरोना टेस्टिंग है। बिना पीपीई किट और शारीरिक दूरी के जांच हो रही है। विपक्ष के भारी दबाव के बाद 15 वर्षीय सुशासनी और विज्ञापनी सरकार प्रतिदिन 1,20,000 जांच का आंकड़ा ऐसे पूरा कर रही है। 10,000 जांच में 3,000 पॉजिटिव थे और 1,20,000 जांच में भी उतने ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास से भावुक दिखे विराट कोहली। बीते दिन महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से संन्यास की घोषणा के बाद क्रिकेट के सभी प्रशंसक काफी ज्यादा भावुक नजर आए। वहीं भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली भी काफी ज्यादा भावुक नजर आए थे। इस मौके पर कप्तान कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं भी दी है। भारतीय कप्तान के रूप में धोनी की जगह लेने वाले कोहली ने कहा है कि इस पूर्व कप्तान ने देश के लिए जो किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। सभी क्रिकेटरों को एक ना एक दिन अपनी यात्रा का अंत करना ही होता है, लेकिन अब आप किसी को इतने करीब से जानते हो तो वो इस फैसले की घोषणा करता है तो आप अधिक भावुक हो जाते हो। आपने देश के लिए जो किया है वो हमेशा सभी के दिलों में रहेगा, मगर जो सम्मान और उत्साह आपसे मिला है वो हमेशा मेरी रहेगी। इसके साथ ही दुनिया उपलब्धि देखती है और मैं इंसान को देखता हूँ। कप्तान हर चीज के लिए शुक्रिया, आपके लिए मैं सर झुकाता हूँ। चुनाव आयोग ने ऐलान के बावजूद ज्यादातर नेता हैं चुनाव के खिलाफ। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए
जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने साफ तौर पर विधानसभा चुनाव के आयोजन को लेकर अपनी हामी भर दी है, वहीं दूसरी तरफ लगातार कई नेता चुनाव का आयोजन करवाने के खिलाफ नजर आ रहे हैं। ज्यादातर नेता चुनाव आयोजन के पक्ष में नहीं है, खुद भाजपा के नेता भी पूरे मन से चुनाव के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। भाजपा ने अपने आंतरिक सर्वे में यह पाया था कि ज्यादातर नेताओं ने चुनाव न करवाने पर अपनी सहमति जताई है। वहीं राजद के नेता भी साफ तौर पर कहते आए हैं कि चुनाव अभी करवाए जाने का कोई तुक नहीं है। फिलहाल चुनाव का आयोजन करवाना यानी कि एनडीए की करारी हार होना है, क्योंकि बिहार में फिलहाल कोविड 19 और बाढ़ दोनों की परेशानी लगातार चल रही है। ऐसे में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाना सही नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है, इस मौके पर कई नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि प्यारे अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत हमेशा उनकी उत्कृष्ट सेवा और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रयासों को याद रखेगा। उन्होंने एक संदेश में कहा कि यह देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भूल सकता है। उनके नेतृत्व में हमने देश का सर्वोच्च किया है। पार्टी नेताओं, सांसदों, मंत्रियों या फिर प्रधानमंत्री, अटल जी ने हर भूमिका निभाई है। मैं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी वाजपेयी जी देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की प्रखर आवाज थे। वो एक राष्ट्र समर्पित राजनेता होने के साथ साथ कुशल संगठन भी थे। उन्होंने भाजपा की नींव रखकर उसके विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। सुशांत के लिए बड़ी तादाद में ग्लोबल प्रेयर मीट से जुड़े लोग। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके सभी प्रशंसकों को करारा झटका लगा है। इतना ही नहीं, परिवार वाले भी अभी तक इस चीज से उभर नहीं पाए हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए 2 महीने का समय पूरा हो चुका है, वहीं उन्हें याद करते हुए उनके परिवार के सदस्य, प्रशंसक, इंडस्ट्री से जुड़े उनके सहकर्मी ने उनके लिए आयोजित एक प्रेस मीट में हिस्सा लिया। अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह की टीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उनके परिवार के लोग बिहार में स्थित अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में श्वेता ने लिखा है, कृपया अपने हाथ जोड़ने की एक तस्वीर पोस्ट करें और आज के दिन #ग्लोबल प्रेयर फॉर SSR का हिस्सा बने। बड़े पैमाने पर उनके प्रशंसकों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिसके चलते ट्विटर पर यह #टैग ट्रेंड करने लगा। बाढ़ की परेशानी के बीच पटना में पुनपुन नदी लाल निशान के ऊपर। बाढ़ की परेशानी से बिहार के 16 जिले का बुरा हाल है। वहीं राजधानी पटना में पुनपुन नदी भी अपने तेवर दिखा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में पुनपुन नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर अब 24 घंटे में 50 सेंटीमीटर तक ऊपर बढ़ गया है। पटना के श्रीपालपुर पुनपुन नदी लाल निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके अलावा पटना सहित पूरे प्रदेश में गंगा और सोन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कई नदियों की रफ्तार पर भले ही ब्रेक लग गया हो, मगर अभी भी 10 नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। गंगा नदी इलाहाबाद से भी उफान पर है। इसका जलस्तर बक्सर से भागलपुर तक बढ़ रहा है। फिर से 24 घंटे में गंगा नदी बक्सर में 35 सेंटीमीटर, पटना के दीघा में 30 सेंटीमीटर, गांधी घाट में 22 सेंटीमीटर, हाथीदह में 14 सेंटीमीटर के साथ ही मुंगेर में 7 और भागलपुर में 3 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त मानने को तैयार सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त को मानने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है, जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त मान लिया है। इस पर बिहार में सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने एक बड़े हिस्से का ध्यान रखा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। इस पर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार को चुनाव आते ही नियोजित शिक्षकों की याद आ गई है। अब क्या कर रहे थे, क्या कारण है कि नियोजित शिक्षकों को विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा था? नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार ने बेवकूफ बनाया है। नियोजित शिक्षकों के साथ हर वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े रहे हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर यह सब कदम उठाया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा कोविड-19 संक्रमित मामलों वाला 8वां राज्य बना बिहार। जहां बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या एक समय पर नियंत्रित बताई जा रही थी, वहीं अब बेलगाम बढ़ रहे मामलों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा रखी है। इसके साथ ही बिहार कोविड-19 के 1 लाख के आंकड़े को पार करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को 1.13 लाख जांच करवाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण 3.11 हो गई है और इसके साथ ही कोविड-19 से अभी तक 524 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो इसमें कोविड-19 से 3500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे बिहार में पटना जिले में परेशानी बढ़ा रखी है। पिछले 24 घंटे में पटना जिले में 493 नए मामलों की पुष्टि की गई है। राजद और जदयू एक बार फिर आए आमने सामने। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार पार्टियों के बीच की रस्साकसी सामने आ रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल और जदयू एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजद की तरफ से आज सुबह ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है, 15 साल शासन करने के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री के भाषण में हर वाक्य का अंत बनाया, सुधारा, किया, करवाया के बजाय बनाएंगे, करेंगे, होगा, चाहिए, तो समझ जाइए कि उस सरकार या मुख्यमंत्री के बस का पिछली सरकार को कोसने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। उस पर
समय या वोट बर्बाद करना बेकार है, जिसके जवाब में जदयू ने कहा है कि नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास किया है। तेजस्वी यादव का वंशवाद के कारण नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल गई है, लेकिन ज्ञान नहीं बन सका है। उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार का बुरा हाल था, नीतीश कुमार को बुरे हाल में बिहार के विकास के रास्ते पर ले गए हैं। वहीं जदयू के इस ट्वीट का भाजपा ने भी समर्थन किया है। समस्तीपुर में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, जहां सरकार बार बार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। वहीं बीते दिन समस्तीपुर में कोविड-19 के इस माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखी गई है। समस्तीपुर एक ऐसा जिला है जहां पर कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा 2464 के पार पहुंच गया है। कोविड-19 संक्रमण के चलते बिहार सरकार ने समस्तीपुर में लॉकडाउन तक लगाया हुआ है। इसके बावजूद भी डांस का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बार बालाओं ने भोजपुरी गाने पर जमकर डांस किया और इस डांस को देखने के लिए सैकड़ों लोग कोविड-19 की परेशानी को भूलकर कार्यक्रम का हिस्सा बनते देखे गए। यह मामला समस्तीपुर के चकमहेसी थाना क्षेत्र के सोरमार घाट का है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी की मूर्ति विसर्जन के बाद लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाते देखी गई है। गांव की कुछ युवाओं ने विसर्जन के बाद एक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करवाया था। इस दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखा गया। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया निशाने पर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के बीच लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सरकार के कार्यों को गिनाए जाने के साथ ही कई घोषणाएं करने के बाद विपक्षी दल ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा है कि नौकरी देने के नाम पर बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का संबोधन झांसों से भरा था। बिहार में 15 साल में शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्स और इंजीनियर आदि के पदों पर बहाली या तो ना के बराबर हुई है या बिल्कुल ही बेकार है। इसके फलस्वरूप आज व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। जबकि सरकार की गिनती के दिन बच गए हैं तो नीतीश कुमार भर्तियों के नाम पर हवाबाजी कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की तरफ से लिए गए संन्यास के फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।